मूसा हसन और आप देख रहे हैं मूसा व्लॉग्स। इंग्लैंड ने कर लिया लेवल सीरीज, अब लग रहा है अगला टेस्ट बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। वेस्ट इंडीज ने फर्स्ट टाइम में सारे मार्क टिक्स किए थे, उन्होंने बैटिंग अच्छा किया, बॉलिंग अच्छा किया, इसलिए वो जीते थे। वो बनता था उनका जीतना, लेकिन इस टेस्ट में उनका जीतना नहीं बनता था क्योंकि उन्होंने पाँचों दिन इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, बॉलिंग उन्होंने इतना अच्छा नहीं किया, बैटिंग उन्होंने अच्छा नहीं किया। इंग्लैंड ने बहुत अच्छा किया सेकेंड टेस्ट में, उन्होंने बैटिंग में अच्छा किया, बॉलिंग में अच्छा किया, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इंग्लैंड में सेंचुरीज मिली, स्टोक्स की सेंचुरी मिली, सिबली की सेंचुरी मिली। और इंग्लैंड की ना एक खासियत बात है, क्योंकि पहले मैंने कहा था कि फर्स्ट टेस्ट में कि शायद इंग्लैंड अच्छा क्रिकेट खेलती थी पांचवें दिन, लेकिन उन्होंने अच्छी दिन नहीं खेली, उन्होंने फर्स्ट हाफ अच्छा खेल दिया लेकिन अगला हाफ इतना अच्छा नहीं खेला, फिर ब्लैकवुड ने अच्छी पार्टनरशिप लगा के जितवा दिया था वेस्ट इंडीज को। इस दफा उन्होंने फर्स्ट हाफ भी अच्छा खेला, दूसरा हाफ भी अच्छा खेला और तीसरा हाफ भी अच्छा खेला, इसलिए ये वेस्ट इंडीज की टीम हारी है। लेकिन वेस्ट इंडीज ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की, मैंने आपको कल कहा था कि ओवरकास्ट कंडीशन होंगी, स्विंग भी बहुत महंगा हो, ये वेस्ट इंडीज की टीम नहीं है इतना ये केपेबल के वो आगे लंबी बैटिंग करो, ये ड्रॉ कर सकती है, जीत सकती है। ब्लैकवुड और ब्रुक्स ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई, ब्लैकवुड बहुत अच्छे प्लेयर है, उन्होंने लास्ट में 95 केस में भी उन्होंने 50 किए, ब्रुक्स बहुत अच्छे नए प्लेयर। वेस्ट इंडीज़ को अगले टेस्ट के लिए बहुत ध्यान रखना है, उनको ना कुछ अपनी बॉलिंग में चेंजेस करनी है, थोड़ा फ्रेश बॉलिंग लाइनअप लेके आना, जैसे जैसे इंग्लैंड ने किया, उन्होंने ब्रॉड लेके आए, वॉक्स लेके आए, करन लेके आए, बहुत उनके पास लाइनअप भी बहुत है। लेकिन वेस्ट इंडीज़ को भी ध्यान रखना है कि वो भी अपना फ्रेश लेके आए, फ्रेश बॉलर्स लेके आए, बैटिंग में इनको बहुत ज़्यादा थोड़ा एक्सपीरियंस और चाहिए, जैसे कि शिमरन हेडमायर थे, अब वो नहीं है क्योंकि वो सीरीज में नहीं आ सके, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस नहीं है। रोस्टन जेस को मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे नंबर पे भेजना चाहिए, क्योंकि कुछ नीचे बैटिंग लाइनअप के साथ करें, ब्लैकवुड को शायद थोड़ा सा ऊपर आप भेज सकते हैं, मुझे लगता है कैम्बल को रेस्ट कराना होगा या उनको चेंज करना होगा, क्योंकि कैम्बल इतना अच्छा नहीं दिख रहे, उनको चेंज करना पड़ेगा वेस्ट इंडीज़ को, कोई नया ओपनर दिखाना पड़ेगा। बॉलिंग में शायद उनको कीमा रोज को चेंज करना पड़ेगा या शायद अल्जारी जोसेफ को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ये चीज़ें वेस्ट इंडीज़ को बहुत ध्यान में रखनी है और इनको फोकस करना चाहिए कि वो अगला टेस्ट मैच जीते। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दो।